41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कुछ ही दिनों की दूरी पर है और आज हम लोग आ चुके हैं प्रगति मैदान के अंदर ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी दे पाए यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारियाँ चल रही हैं ताकि आप लोग यहाँ की सारी चीज़ें देख पाएँ। एग्जीबिटर्स और हॉल के अंदर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं वो सब कुछ आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए यहाँ का सफ़र चालू करते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं, आप लोगों को यहाँ पर आने से पहले पूरी जानकारी मिल जाए और आप लोगों को कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए परेशानी ना हो। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 DMRC ने बताया है कि ट्रेड फेयर के लिए इस बार 67 मेट्रो स्टेशन पर टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर तक रहेगा, हालांकि आम लोगों के लिए ये 19 नवंबर से खुलेगा। इसकी एंट्री का समय रोज़ाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। अगर आप लोग 14 नवंबर को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर आने का प्लान बना रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाली है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो इनोग्रेशन होने वाला है, महामंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, वो 14 नवंबर को आने वाले हैं, जिससे कि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जो चालू होगा वो शाम को 4:30 बजे होगा, जिससे कि आप लोग ज़्यादा विजिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग 500 रुपये का टिकट लेकर 14 नवंबर को आ रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ विजिट करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, तो आप लोग उस टाइम को 14 नवंबर को ना देते हुए यहाँ पर 15 नवंबर को आते हैं तो आप लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक का टाइम मिलेगा। तो आप लोग 14 नवंबर को आना अवॉइड करें और 15 नवंबर को यहाँ पर आएँ। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर आप लोग विदेशी भागीदारों को भी देख पाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी और आप लोग उनकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ मेंशन की हुई हैं तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और दिखा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विदेशी भागीदार, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, चीन, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्किया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ भागीदार हैं और आप लोगों को उनकी एग्जीबिशन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहीं पर ही अगर हम लोग टिकट प्राइजेज़ की बात करें तो टिकट प्राइजेज़ आप लोगों के 14 से 18 नवंबर 500 रुपये पर पर्सन के होने वाले हैं। अगर आप लोग 18 तारीख के बाद वीक डेज़ में आते हैं तो आप लोगों के 150 रुपये टिकट प्राइजेज लगने वाले हैं। अगर आप लोग नॉर्मल डेज़ में आते हैं तो आप लोगों के 80 रुपये टिकट प्राइजेज लगने वाले हैं नॉर्मल डेज़ में। तो आप लोगों को टिकट वगैरह जो है वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग पार्टनर स्टेट बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और फोकस स्टेट केरल देख सकते हैं आप लोग। और यहीं पर ही हम लोग अगर बात करें हॉल वाइज प्रोडक्ट प्रोफाइल तो ऊपर में देख सकते हैं पार्टनर स्टेट फोकस स्टेट जो रहेंगे हॉल नंबर 2 के अंदर रहेंगे, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन हॉल नंबर 3 के अंदर रहेंगे, MSME एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन हॉल नंबर 4 के अंदर रहेंगे और वहीं पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट हॉल नंबर 5 के अंदर रहेंगे और हैंडलूम एंड पवेलियन स्टेट्स एंड UTs जो रहेंगे वो हॉल नंबर 2 से 5 तक में रहेंगे, जो कि आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सारे जो हॉल्स हैं मेंशन किए हुए हैं आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हो। ये कुछ जानकारियाँ आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण लगेंगी क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों को ये सब कुछ ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। यहीं पर ही आप लोग डेट वगैरह भी देख सकते हो। अगर यहाँ के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पड़ने वाला है और गेट नंबर 2 से आपका एग्जिट लेना होगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही आप लोग मेट्रो स्टेशन से आएंगे तो प्रगति मैदान का गेट नंबर 10 है और आप लोगों की यहीं से एंट्री होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह का पूरा प्रबंध कर दिया गया है और यहीं से ही आप लोगों को पास दिखा के एंट्री लेनी होगी। तो गाइस यहाँ पे सामने मेंशन किया हुआ है कारोबारी और व्यापारी आगंतुक, यानी कि आपका जो बिजनेस डे रहेगा वो 14 से 18 नवंबर तक रहेगा। बाकी सामान्य जनता के लिए जो एंट्री रहेगी 19 से 27 तक रहेगी। मेले का समय मैंने आप लोगों को आगे में बता दिया था, बाकी सब कुछ यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। उम्मीद है कि ट्रेड फेयर से रिलेटेड ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को ऐसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।